तुझे बोला एविडेंसेस प्रूफ करने की बात की, उन्होंने पहला पॉइंट जो दिया दैट इज जिग्स ऑफ फिट, साथ साथ मुझे बताते जाना जिग्स ऑफ फिट में क्या बोला, उसने बोला है कि जो शोर लाइन ऑफ हमारी साउथ अमेरिका की ईस्ट साइड की जो शोर लाइन है, सारे बच्चे नए वाले अतुल एंड कंपनी सलमान सारे, ये देखना क्या ऐसा लग रहा है कि ये वाला एरिया जो था वो इसके साथ कनेक्टेड था, इसकी शोर लाइन के साथ कनेक्ट हो रहा है, जोड़ सकते हैं हम इसको, बोला पहले जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो इकट्ठा जुड़ा हुआ था, बट कुछ फोर्स जनरेट हुई, कौन सी फोर्स जनरेट हुई वो आज बताऊंगा, ठीक है, कुछ फोर्स जनरेट हुई जिसके कारण क्या हो गया, ये चीजें जो ये दोनों एक दूसरे से बाइफर्केट हो गई, ठीक है, इसका ये देखो शोर लाइन और ये दोनों लगता है ऐसे इसके अंदर लिखा हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, स्टैटिग्राफिक पीसेस ऑफ रॉक, एविडेंस के रॉक बोला उसने, जो ब्राजीलिया या साउथ अमेरिका की कोस्ट में जो रॉक्स मिले थे, सेम रॉक्स जो है हमें यहाँ पे देखा जाए तो हमारे नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में भी जो है वो मिल रहे। दो पॉइंट, तीसरा प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर मींस गोल्ड के डिपॉजिट, जो हमें गहना में जो गोल्ड के डिपॉजिट मिले वो ही ब्राजीलियन पेनिनसुला जो है वहां पे जो है हमें ये सिंक मिले, इसका मतलब है ये चीजें कनेक्टेड होगी तभी सेम रॉक्स मिल रही है, सेम तरह का गोल्ड मिल रहा है, ये चीजें जो थी उसने बताई। कोई डाउट और क्या, मैंने फॉसिल्स मेसासोरस एक मैंने बताया था क्या एक्वेटिक रेप्टाइल है, वो भी तुम्हारे यहाँ पे मिला था और वो भी तुम्हारे यहाँ पे मिला था, ठीक है, ये चार एविडेंसेस इसने बताए, किसने, अल्फर्ड वेगनर ने बताए, क्या कहते हैं आप, जहां पे एविडेंसेस ऑफ फॉसिल्स की बात की एक और एविडेंस को उसमें लिखो, ठीक है, उसी में एक और एविडेंस मिला था, एक और फॉसिल मिला था जिसका नाम था लेमूर्स, क्या नाम था, लेमूर्स, L-E-M-U-R-S, लेमूर्स, ठीक है, लिखना, आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ, आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, identical species of plants and animals were found in different continents. Identical species of plants and animals were found in different continents. Different continents. तीन कॉन्टिनेंट्स में सेम देखे, इसका मतलब ये भी कनेक्टेड थे, ठीक है। द एविडेंस ऑफ लेमूर्स, लेमूर्स को अंडरलाइन करोगे, सलमान तूने नहीं लिखा है, तूने नहीं लिखा है, चलो कोई, द एविडेंस ऑफ लेमूर्स, एल ई, एल ई एम यू आर एस, द एविडेंस ऑफ लेमूर्स That was occurred in तीन जगहों पे मिला, that was occurred in first India, Madagascar, ये लिखा होगा Madagascar, ये देखना Madagascar अफ्रीका के ईस्ट में, ठीक है, Madagascar M A D A G A S C A R and Africa led to the evidence that, led to the evidence that, that there was linking of, there was linking of these three landmasses, these three कौन कौन से हो गए, India, Madagascar और थर्ड इज अफ्रीका, और यहां पे क्या मिला, आइडेंटिकल क्या मिले, लेमूर्स, ठीक है, ये फॉसिल्स, और पहले जो मिले थे उनका क्या नाम था, मेसासोरस, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने बताया, उसने अपनी थ्योरी में एविडेंसेस दिए, मान लिया। अब मैंने बोला जो पेंजिया जो था वो ब्रेक हुआ दो तीन पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, एक नॉर्थ की तरफ गया और एक साउथ की तरफ गया, बट कौन सी फोर्सेस थी जो रिस्पॉन्सिबल थी जिसने इसको ब्रेक कर दिया, 2015 यूपीएससी, वहां पे क्वेश्चन आया था पोलर फ्लिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, अच्छा
तो उधर ये क्वेश्चन था, अब टॉपिक डालो, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब सुनना, दो तरह की मूवमेंट हुई, एक हुई तुम्हारी नॉर्थ से साउथ, एक हुई वेस्ट से ईस्ट। वैसे एक कुछ इस तरह मूव किए, कुछ इस तरफ, जैसे देखो नॉर्थ अमेरिका जो है वो कहाँ पे गया, हमारे अगर हिसाब से देखा जाए हमारे वेस्ट से गया, इंडिया के हिसाब से वेस्ट पे है, ठीक है। तो अब बोला कि दो तरह की फोर्सेस थी, एक फोर्स जिसने इसको नॉर्थ से साउथ मूव करवाया, क्वेश्चंस लगाए थे लगे। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं नया स्टार्ट किया है, नाम भूल गया, शरणदीप, अभी हमने कुछ नहीं स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ एक पॉइंट बोला, इनको लेमूर्स मिले थे, एक जहां मैंने तुम्हें कल फॉसिल्स का पढ़ाया था, किसका, मेसोसोरस का, वैसे ही तीन लैंड मासेस के आसपास एक सेम जो था वो मिला था तुम्हारा एविडेंस ऑफ फॉसिल्स लेमूर्स, कहां कहां पे, इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका। मेडागास्कर जो है वो ये है तुम्हारा, ये मेडागास्कर अफ्रीका के ईस्ट में, ठीक है, ये मेडागास्कर, ठीक है, तीन पॉइंट। अब मैंने बोला, उसने बोला कि चल ठीक है, तेरा मान लिया कि जो पेंजिया था वो तुमने ब्रेक किया, तो कौन सी फोर्सेस थी जिसने इस पेंजिया को ब्रेक किया। अब मैंने बोला दो तरह से मूवमेंट हुई, एक नॉर्थ, ये ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हुई है, बोल सकता हूँ, इक्वेटर की साउथ की तरफ है ना, तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हुई है, नॉर्थ साउथ मूवमेंट हुई है, पहली फोर्स, और दूसरी हुई जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया, या ईस्ट से वेस्ट जो भी है, दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थी जिसने ये मूवमेंट करवाई, ठीक है। पहली फोर्स, ये पेपर में क्वेश्चन आया था, नॉर्थ से साउथ जो ये कॉन्टिनेंट मूव किए, या साउथ टू नॉर्थ जो कॉन्टिनेंट मूव किए, जो फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, दैट वॉज पोलर फ्लिंग। पोलर फ्लिंग क्या फोर्स होती, ये एक ऐसी फोर्स जनरेट होती जब अर्थ जो है वो रोटेट करता है, कहां से कहां, अर्थ रोटेट नॉर्थ साउथ कैसे करेगा, अर्थ कैसे रोटेट करता है, कौन सी डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। हमेशा याद रखना, जो हमारी अर्थ है दैट रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज, ये मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, याद रखना, बोलना मत, जब भी हमारी अर्थ की रोटेशन की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तभी मैंने बताया था वो गेन ऑफ टाइम और लूज ऑफ टाइम वाला कंसेप्ट। तो हमेशा अर्थ जो मूव करेगी दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट में गेन ऑफ डे और वेस्ट में लूज ऑफ डे पढ़ाया था मैंने, ठीक है। जब हम ईस्ट की तरफ मूव करेंगे लॉन्गिट्यूड का टाइम कैलकुलेट करने के लिए, वो एड होगा, वेस्ट में सब्ट्रैक्ट होगा, जिसकी हमने मल्टीपल एग्जांपल्स की थी, ठीक है। तो उसने पहली फोर्स जो बोली क्या, जिसके कारण नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जो कॉन्टिनेंट मूव किए, वो किस फोर्स के कारण किए, दैट इज पोलर फ्लिंग। पोलर फ्लिंग, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी फोर्स थी जो रिस्पॉन्सिबल थी ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के लिए। पहली फोर्स जो थी दैट इज तुम्हारी पोलर फ्लिंग, और ये फोर्स कैसे जनरेट होती है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, पहली बात। और दूसरी फोर्स जो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट की वेस्ट जो मूव करवाया था, उसको हमने बोला था टाइडल फोर्स बिटवीन, किसके, ग्रेविटेशनल पुल, टाइडल फोर्स, टाइड्स जो है वो किसके कारण जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून के कारण। सन, ये भी 2015 की प्री में क्वेश्चन आया हुआ था, टाइडल फोर्स, ये क्वेश्चन आया हुआ था, टाइडल फोर्स आर जनरेटेड थ्रू, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन मून बोथ नीदर। मेरे को लगा कि जो क्या कहते हैं, मून जो होता है, सन जो होता है उसका इतना इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि सन जो है वो बहुत दूर होता है, तो मैं खाली मून लगा के आया था और गलत हुआ था, ठीक है। याद रखना, सन और मून दोनों का ग्रेविटेशनल पुल होता है जिसके कारण टाइडल फोर्स जनरेट होती है, टाइड वाला टॉपिक अभी हमने करना है। बट दो फोर्सेस पड़ी, नॉर्थ टू साउथ के कारण कौन सी फोर्स के कारण हुआ है, पोलर फ्लिंग, और वेस्ट से ईस्ट टाइडल फोर्स, ये याद रखना, ठीक है। टॉपिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कोई डाउट, हिमाक्षी कंपनी से नोवर पीछे, कोई किसी को, अतुल पक्का, चलो ठीक है,
सिर्फ मैंने बोला ये जो कॉन्टिनेंट मैंने क्या बोला था, एक अंगारा लैंड हुआ और एक गोंडवाना लैंड हुआ, ये नॉर्थ की तरफ गया था अंगारा लैंड या यूरेशियन लैंड और साउथ की तरफ गोंडवाना लैंड था। तो बोला ये क्यों मूव किए, तो बोला क्यों ये इसलिए मूव किए क्योंकि एक फोर्स थी जो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं पोलर फ्लिंग। और अगर कोई इधर गया या इधर गया, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट गया, वो किसके कारण गया, टाइडल फोर्स के कारण। ये क्वेश्चन आज जाते ही क्या करना है, एमसीक्यू ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। जाते देखो मैंने 30 डेज की बात की है, एक महीना अच्छी तरह से एमसीक्यूज लगा लो कि ज्योग्राफी साथ साथ रेडी हो जाएगी, बाकी फिर किस तरह का नहीं तो बाद में राम रखता ही होगा, ठीक है। चलो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, फर्स्ट वैगनर प्रपोज्ड दैट फर्स्ट पॉइंट इक्वेटर वर्ड और नॉर्थ साउथ मूवमेंट दोबारा बोल रहा हूं, इक्वेटर वर्ड EQUATORWART इक्वेटर वर्ड और नॉर्थ साउथ मूवमेंट, क्या 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 इक्वेटर की स्पेलिंग EQUATOR EQUATORWART इक्वेटर वर्ड और नॉर्थ साउथ मूवमेंट वॉज बिकॉज ऑफ पोलर फ्लिंग ब्रैकेट में लिखना फोर जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन। और सेकेंड फोर्स लिखना ब्रैकेट में लिखना, ये पोलर फ्लिंग अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कैसे जनरेट होती है, तो इट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, फोर जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पोलर फ्लिंग ब्रैकेट में लिखना इट इज जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। एंड वेस्टवर्ड मूवमेंट सेकेंड पॉइंट में लिखना, एंड सेकेंड पॉइंट वेस्टवर्ड मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ टाइडल फोर्स, पोलर फ्लिंग बॉक्स में जाएगा डब्बे में जाएगा और टाइडल फोर्स डब्बे में जाएगी, ठीक है, ताकि कि कॉपी अगर कभी मन कर गया खोलने का तो दिखे हमने इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। एंड वेस्टवर्ड मूवमेंट इज कॉज्ड बाय टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, ऑफ सन एंड मून, ऑफ सन एंड मून, टाइडल फोर्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं हो सकती कि किसी को जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो मूव करवा दे, या पोलर फ्लिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो इसको सक्सेसफुल नहीं माना गया। बट एक चीज आई क्या कि इसने एक बेस जो था वो तुम्हारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो था वो एक बेस ज्योग्राफी में जो है वो प्रोवाइड करके दिया। ये 2021 में मेंस का क्वेश्चन आया था, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, नहीं विश्वास होगा तो जेके पीएससी की साइट पे जाना, वहां पे ओल्ड वो प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं 2021 में पेपर वन की जब मैं बात करूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी हिस्ट्री सोसाइटी और पॉलिटी वन नहीं, सबसे पहले तुम्हारा काम दो तीन दिनों में ये होना चाहिए कि तुम्हें सिलेबस रटा होना चाहिए। जिस बंदे को सिलेबस रटा हो गया ना, सोच लो उसने 10% जो है यूपीएससी में कंट्रोल पा लिया हो, फिर 90% मेहनत है। पहले हमें सिलेबस ही नहीं पता होता 2 किस में है 3 किस में है, ठीक है। जो तुम सोसाइटी पढ़ते हो कौन सा कास्ट, वो जो तुमने पढ़ा होगा रीजनलिज्म और ये सब कुछ चीज़ें जो पढ़ी, ठीक है। सो ये वुमेन शुमेन का ये सारा जो है पेपर वन का पार्ट है तुम्हारा, ठीक है, याद रखना। जब हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, डेट इज तुम्हारा पेपर 3 की बात कर रहा हूँ। पॉलिटी की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो अभी वो अपना पूजा मुझे बोल रही थी सर मोहम्मद मिजू ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, डेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया मालदीव्स रिलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो पेपर 2 11 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पेपर 2022 के मेन्स के पेपर में आए हैं आई आर में, 20 में से 13 क्वेश्चन जो थे वो आई आर के थे, 20
20 में से 13 क्वेश्चन, और 2021 में भी शायद क्या कहते हैं 11 क्वेश्चन थे। आईआर में जितनी होल्ड रख सकते हो उतनी अच्छी तरह इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ के चलना, पेपर टू में बड़ा ज़्यादा कवर करते हैं। पिछले 2 साल से तो यही हो रहा है, इस बार ही देखते हैं क्या है, बट 2 साल से यही चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इससे हमने जो है अपना एक टॉपिक खत्म किया, डेट इज कॉन्टिनेंटल डिक्टेटरशिप। कोई डाउट किसी को 1% भी? ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ अर्थ। 2022 मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन आया था, मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ कुछ फोर्सेस हैं जो अर्थ के इंटीरियर में भी टेक प्लेस कर रही है, और कुछ फोर्सेस हैं जो अर्थ के एक्सटीरियर में भी टेक प्लेस कर रही है। ठीक है, जो अर्थ के बाहर फोर्सेस होती है उनको क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक। और जो अर्थ के इंटीरियर में होती है एंडोजेनिक। अर्थ के इनसाइड मतलब एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। ठीक है, टॉपिक मूवमेंट ऑफ अर्थ, इसमें टॉपिक डालो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस ये सबके लिए नया टॉपिक है। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोला, सरफेस के ऊपर जो रिलीफ बने हैं, माउंटेन्स बने हैं, ठीक है, प्लेट्यूज बने हैं। माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है? ज्योग्राफी की 4 क्लासेस पढ़ ली है, पहले हमें ये तो पता हो माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस क्या है। हाँ साक्षी, माउंटेन्स में स्टीप, माउंटेन्स की जो हाइट होती है वो स्टीप, ये माउंटेन, जब ऊपर से फ्लैट होगा डेट इज प्लेट्यू। ये याद रखना, बेसिक चीजें याद रखना, पता चले पूरी ज्योग्राफी पढ़ा के चला गया बाद में बोले किसने पढ़ाया। ठीक है जियो, तो जो ये तुम्हारे माउंटेन्स प्लेट्यूज कॉन्टिनेंट्स की जितनी भी चीजें बन रही है वो किसके कारण है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के कारण है। ठीक है, जब मैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करता हूँ 2 प्रोसेस आते हैं इसमें, वन इज एंडोजेनिक एंड अदर इज एक्सोजेनिक। एंडो, एंडो मीन्स विद इन द अर्थ, अर्थ के कुछ नहीं उतारना है जब तक मैं नहीं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा फिर मैं खुद लिखवाऊंगा, डिक्टेट करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं, सिर्फ अभी शो देखो बस। एंडोजेनिक मीन्स इनसाइड द अर्थ। एक्सोजेनिक आउटसाइड द अर्थ। ठीक है, सिर्फ पहले जितना लिखो करते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, द सरफेस रिलीफ, और ये जो माउंटेन्स बने प्लेट्यूज बने इनको हम क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। इनको क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। चलो, द सरफेस रिलीफ और टोपोग्राफी, और टोपोग्राफी results from two types of forces, results from two types of forces, forces likho, endogenic force and exogenic force, endogenic force and exogenic force. Endogenic force and exogenic force. Topic likhna endogenic force. These forces originates interior or exterior? Interior. These forces originate from the earth's interior, from the earth's interior.
causing structural changes. क्या हो सकती है? या तो ये अपलिफ्ट कर सकती है, किसी चीज को उठा सकती है, अंदर फोर्सेस हो रही है, या तो किसी चीज को उठा सकती है, या सबसाइड करवा सकती है, या फोल्डिंग करवा सकती है, या फॉल्टिंग करवा सकती है। हमने पढ़ना है फोल्डिंग, फॉल्टिंग ये क्या चीजें हैं, सिर्फ लिख लो। लीडिंग टू लैंड अपलिफ्टमेंट, लीडिंग टू लैंड अपलिफ्टमेंट, सब्सिडियंस नीचे की तरफ, जैसे लैंड सबसाइड करके, कौन सी एग्जांपल बता रहा हूँ, करंट अफेयर में कहाँ की लैंड सबसाइड की, उत्तराखंड में कौन सी जगह थी, कम ऑन इतनी फेमस है, जोशीमठ लैंड सबसिस्टेंस पड़ा था, अभी पेपर में भी आया था सबसिस्टेंस। जमीन जो होती है ऊपर ना जाके नीचे की तरफ खिसकनी शुरू होती है, हाँ वो जो नीचे जमीन नीचे की तरफ मूव करते हैं, हाँ ढह जाना, हाँ जैसे जोशीमठ में हुआ सबसिस्टेंस। और हमें क्वेश्चन आया था कि जोशीमठ में लैंड सबसिस्टेंस हुई, क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण की लैंड सबसिस्टेंस जो है हो सकती है, और कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब क्या फैक्टर्स है, फैक्टर में जैसे हम ये पढ़ सकते हैं, एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, या हम इसको लिखेंगे जो अर्बन प्लानिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई, उसके बाद तुम टूरिज्म ज्यादा इतना ज्यादा आ गया, अगर किसी की 100 की कैपेसिटी है तो वहां पे 1000 लेके आ गए, पहाड़ों में तुमने जो है माइनिंग करना शुरू कर दी, तुमने शॉप्स बनाना शुरू कर दी, जिससे पोल्यूशन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और किस तरह के फैक्टर्स है, तुम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, तुम पॉलिसीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो, बिहेवियरल चेंज, इसमें तुम पेपर फोर मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, बिहेवियरल चेंज बंदे में आना चाहिए, नहीं मैं बिस्लरी की पानी पी रहा हूँ, चल ठक फेंक दिया, ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, माइनिंग को जो है कंट्रोल करना चाहिए, हाँ माइनिंग को कंट्रोल, अगर ऐसा एरिया है तो डेट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ESA, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे माइनिंग वगैरह जो है, हैवी लोड ट्रक्स वगैरह जो है इनको अलो नहीं करना है, ये चीजें वहां पे, ठीक है। इसलिए जब पढ़ो पूरा एक दूसरे को लिंक, हमने प्री नहीं निकालना है, गेम इज अबाउट मेंस निकालना, ठीक है। चलो क्या बोला, फोल्डिंग कॉमा सब्सिडेंस कॉमा फोल्डिंग, फॉल्टिंग सारा कुछ बताऊंगा, फोल्डिंग अब याद रखना ये ही फोर्सेस हैं जो माउंटेन बनाने की हेल्प करती है, यही तुम्हारी एंडोजेनिक, आज जो तुम पढ़ते हो हिमालयाज, तुम पढ़ते हो एंडीज, तुम पढ़ते हो रॉकीज, ये सारी किसके कारण है, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, अर्थ के इंटीरियर से फोर्स आई, ऊपर जो है वो माउंटेन फॉर्म बनना शुरू हुई। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है, अभी बताऊंगा, लिखो। अभी मैं बताऊंगा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसके बाद कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओरोजेनेसिस एपिरोजेनेसिस, ये चीजें पढ़ी होंगी, अभी याद आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। देखो दीज फोर्सेस, दीज कौन है यहाँ पे, एंडोजेनिक, हाँ दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टोपोग्राफिकल फीचर्स लाइक टोपोग्राफी माउंटेन्स एक्सेट्रा। अर्थ के इनसाइड में मैंने बोला था टेम्परेचर बड़ा ज्यादा है और प्रेशर जो है बड़ा ज्यादा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जिसके कारण टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है जिसके कारण जो है माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, तो दो फोर्सेज जनरेट होती है, एक तो हीट और दूसरी इज रेडियो एक्टिव हीट, ठीक है। तो लिख लो, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर एंडोजेनिक फोर्सेज आर, किसके कारण ये एंडोजेनिक फोर्सेज जनरेट हो रही है, ऑफ एनर्जी फॉर सोर्सेज ऑफ एनर्जी
फॉर एंडोजेनिक फोर्सेस आर हीट एंड रेडियो एक्टिविटी. अभी तक कोई डाउट? अर्थ के इनसाइड में फोर्सेस टेक प्लेस कर रही है उनको हम एंडोजेनिक बोलते हैं, अर्थ के बाहर जो होगी उसको हम बोलेंगे एक्सोजेनिक. देख लो एक बारी. ठीक है, नेक्स्ट एक्सोजेनिक फोर्सेस, हीट एंड रेडियो एक्टिविटी. हीट एंड रेडियो एक्टिविटी कौन सी फोर्सेस है जो ये रेडियो एक्टिविटी, कौन सी फोर्सेस है ये एंडोजेनिक फोर्स को जनरेट कर रही है? तो हीट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वहाँ पे, कहाँ? सियाल, सीमा, निफे, ये सारी चीज़ें जो मैंने कल उस दिन पढ़ाई थी क्रस्ट मेंटल कोर में, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ. एक्सोजेनिक फोर्सेस दीज फोर्सेज आर ओरिजिनेटेड अबव द अर्थ सरफेस, लिखोगे या इनसाइड द अर्थ सरफेस? अबव. दीज फोर्सेज आर ओरिजिनेटेड अबव द अर्थ सरफेस. वेदरिंग पता है क्या होता है? जो रॉक्स ब्रेक होके जो गिरते हैं, टूटते हैं, जो रॉक्स टूटना, जो पहाड़ों से वो जो स्लाइड्स होती है, वो वेदरिंग के कारण होती है. अभी हमने टॉपिक पढ़ना है एक वेदरिंग, ठीक है. दीज फोर्सेस कौन सी? एक्सोजेनिक. दीज फोर्सेस गिव राइज टू वेदरिंग. वेदर मत लिख लेना, WH वाले वो WEATHERING, वेदरिंग कॉमा इरोजन, मिट्टी उड़ती है जो, सॉइल इरोजन, इरोजन एक्सेट्रा. एंडोजेनिक के कारण क्या बना? तुम्हारे माउंटेन्स. अब सुनना, मैं कहता हूँ रिवर्स आ रही हैं, ठीक है, इमेजिन करना. अभी जब हम इंडिया पढ़ेंगे हम उसमें दो तरह के रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. हिमालय से मेजर जब में तीन रिवर्स आती है, एक तुम्हारी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक हो गई. अब रिवर जो ये मेजर रिवर्स आ रही है, अभी हम एंटीसीडेंट रिवर्स पढ़ेंगे, ये क्या होता है, पहले सुनो. ये रिवर्स आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, मैंने एग्जाम्पल ली ये पहाड़ है, ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स आ रही हैं, ठीक है. एक टाइम क्या हुआ यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण, एक्सोजेनिक क्या हुआ, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ विंड, हीट, विंड हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, ग्लेशियर का मूवमेंट हो सकता है, जिसके कारण क्या हो गया, टूटना शुरू हो जाएंगे. इमेजिन कर रहे हो, इस पे जब हीट बज रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये रॉक्स क्या होगी, ब्रेक होना शुरू हो जाएगी. ये रॉक्स ब्रेक हुई थी, टूट गई, पानी जो होगा वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा इन माउंटेन से. जब पहाड़ों से एक बड़ी हाई हाइट से जो है तुम्हारा पानी जब अर्थ की सरफेस पे गिरते हैं, उस टोपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, यस, वाटरफॉल बोलते हैं, वाटरफॉल जब बड़ी हाइट से. तो याद रखना इन एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण जो है क्या होता है, एक तुम्हारी टोपोग्राफी बोल सकते हैं, या एक फीचर बनता है जिसको हम बोलते हैं वाटरफॉल, ठीक है. अब सुनना, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का माउंटेन है, ठीक है, ये मैंने माउंटेन बनाया, कोई भी जगह, ऊपर हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, ये सब कुछ पड़ रहा है, ठीक है. क्या होगा, एक टाइम पे ये ऐसे होना शुरू हो जाएगी, मानते हो, इरोजन शुरू हो जाएगी, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है. इस जो ये तुम्हारी लैंडफॉर्म बनी, इसको हम बोलते हैं वी शेप वैली. वी शेप वैली कभी देखते हो, पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में से वो रिवर ऐसे वी टाइप जो बनी होती है. तुम इधर से जाओगे कश्मीर वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे वी शेप वैली, ऐसे दो पहाड़ है और बीच में से रिवर जा रही है, रामबन वाला एरिया और वो, दैट इज़ वी शेप वैली. और वो किसके कारण हुई? एक्सोजेनिक. अब पेपर में कभी कोई पूछेगा लैंड, ये तुम्हारा वाटरफॉल या वी शेप वैली या यू शेप वैली, ये सारी किसके कारण बनती है? ये बनती है एक्सोजेनिक, मतलब अर्थ के ऊपर जो फोर्सेज आ रही है, और वो कौन कौन सी है, इट कैन बी सनलाइट, इन कैन बी विंड, इट कैन बी ग्लेशियर की मूवमेंट, कुछ भी हो सकती है. बट अर्थ के जो ये तुम पहाड़ बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेट इट बी उस पत्नी टॉप वाले रूट में चले गए या आगे कश्मीर वाले रूट में, हमें पहाड़ दिखते हैं. आजकल तो उधमपुर वाले रास्ते में बड़ा ज़्यादा, अब तो हाईवे बढ़िया हो गया, किसी टाइम वो पहाड़ वाला जो एरिया होता था वो किसके कारण हुआ है? इट इज़ ड्यू टू एंडोजेनिक. एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक क्या होगा, एंडोजेनिक जो है वो किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक्सोजेनिक क्या है, वो किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट, तोड़ रहा है, क्योंकि इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इरोजन और वेदरिंग. उसने क्या किया, इसको तोड़ना शुरू कर दिया. डाउट दोबारा समझाऊँ? पक्का? चलो
ठीक है लिख लो भाई, कोई डाउट होगा अभी भी कह रहा हूँ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं है, बट डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चे के माइंड में, ठीक है। अच्छा, दे प्रोड्यूस माइनर टोपोग्राफिकल फीचर such as valleys, comma caves, गुफाएं, वो भी इरोजन के कारण ही बनेंगी, caves, waterfall, ये भी हमने सारा पढ़ना टॉपिक्स, caves, waterfall, etc. माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। द एजेंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बनाना, वॉल्केनो जो आएंगे वो तुम्हारे एंडोजेनिक से आएंगे, अर्थ के इनसाइड से एंडोजेन, हाँ आ सकते हैं, आ सकते, वो अभी मैंने बताना है डायस्ट्रोफिज्म और वो चीज़ उसमें समझाऊंगा, अभी एंडोजेनिक को हमने और बाइफ्रिकेट करना है अभी, ठीक है। द एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनिक मूवमेंट आर, कौन कौन से एजेंट है जो एक्सोजेनिक मूवमेंट कर रहे हैं, द एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनिक मूवमेंट आर, the agents of exogenic movement are wind, water, sunlight, glacier, etc. etc कोई वो नहीं है एक्सेट्रा, ठीक है, etc. water, sunlight, wind, glacier, ठीक है। आगे एंडोजेनिक मूवमेंट को और bifurcate करेंगे, टॉपिक लो टाइप ऑफ एंडोजेनिक मूवमेंट करने में, मैं यहाँ पे भी ख़त्म कर दूँ कोई दिक्कत नहीं, तुमको नहीं पता चलेगा, बट पढ़ रहे हो तो अच्छी तरह पढ़ो, हाँ बेशर्ता एक है कि अगर क्लास इतनी स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है, छुट्टियाँ बजेंगी तो फिर देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज़ रखूँगा कि ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है वो बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाना उसको मैं बंद कर दूंगा उस टाइम, ताकि क्लास वालों का मिस ना हो जो आ रहे हैं और जो जिन्होंने इसके भरोसे होंगे नहीं, ठीक है, इसलिए जो लास्ट का हम आधा घंटा करते हैं करंट अफेयर्स वो मैं हमेशा वीडियो को पॉज करके करता हूँ, ठीक है। चलो, एंडोजेनिक मूवमेंट, टाइप्स, अब मैं ये इसको बाइफ्रिकेट कर रहा हूं और इसके अंदर, टाइप्स ऑफ एंडोजेनिक मूवमेंट, एकदम फास्ट आ गई जो, उसको बोलेंगे सडन मूवमेंट, यार मैं नाम भूल गया, शरण ने मुझे बोला सर जो अर्थक्वेक है वो इसके एग्जांपल लेंगे, एक होता है सडन मूवमेंट और दूसरी होती है डायस्ट्रोफिक, मतलब स्लो, जब मैं सडन मूवमेंट की बात कर रहा हूं मतलब अर्थक्वेक आता है या फिर तुम्हारा वॉल्केनिक इरप्शन, एकदम फास्ट आया और कोई चीज बना के जाएगा, कोई चीज़ बना के जाएगा, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसकी, अंडमान एंड निकोबार, ये जो आइलैंड है, आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, अंडमान की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो अंडमान है आगे पीछे क्या है, सिर्फ बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब सुनना, अब जो तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार बना है वो किससे बना है, वॉल्केनोज, वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी उसके कारण जो है बना है, लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप कोरल है, वो हम पढ़ेंगे इंडिया में अभी, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, ये क्या है मिनिकॉय वगैरह सब कुछ, ठीक है। बट याद रखना सडन एकदम जिससे कोई चीज़ फॉर्म हो जाती है वो किसके कारण हो सकता है, या तो अर्थक्वेक के कारण या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, ठीक है, लिख लो सडन मूवमेंट, टाइप्स ऑफ एंडोजेनिक मूवमेंट में सडन मूवमेंट एंड डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, डायस्ट्रोफिक,
ये एग्जांपल भी लिख लेना, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। एंडोजेनिक मूवमेंट के एजेंट्स जो होंगे वो तुम्हारे वॉल्केनिक इरप्शन जैसे, वॉल्केनिक अपने साथ ज्वालामुखी लाएगी, वो जब अर्थ के ऊपर आएगी, अब मैंने यही बोला फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक ऊपर आया, ठीक है, अब उसने क्या किया माउंटेन, अब क्या होगा वॉल्केनिक जब अर्थ के इनसाइड है, ठीक है, तो बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है अर्थ के इंटीरियर में, बट जब हम बाहर आते हैं अर्थ की सरफेस में आते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा 35 डिग्री 40, वो होता है सॉलिडिफाई हो जाता है, सूख जाता है, और जब वो स्टीप में बनेगा तो माउंटेन की फॉर्म में बन जाएगा, थोड़ी कम हाइट में बनेगा, जैसे मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा डक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, ये सारी इन्हीं की एग्जांपल है, वॉल्केनिक की एग्जांपल है, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो मटेरियल आता है तुम्हारा, सल्फर गैसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें से आएंगी, ठीक है। ये सडन मूवमेंट की एग्जांपल है, अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, ठीक है। दूसरे लिखना डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, दीज मूवमेंट ऑपरेट्स, फास्ट होगी स्लो, स्लो, हाँ, दीज मूवमेंट ऑपरेट, ये सीधे मेंस का आंसर था, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स बताओ, दीज मूवमेंट ऑपरेट्स वेरी स्लो, operates very slow but continuously, but continuously. Diastrophic movements are of three types. Diastrophic movements are of three types. Tectonic movement, isostatic movement, दो लिखो पहले, टेक्टोनिक मूवमेंट, आइसोस्टेटिक मूवमेंट, यूस्टेटिक मूवमेंट, किताबों में भी नहीं मिलेगी, शर्त बोलता हूँ ये नहीं मिलेगी, ठीक है। सर आपने भी किताब से ही पढ़ी होगी, हाँ कहीं से तो पढ़ी है, मेहनत है यार। ठीक है, टॉपिक टेक्टोनिक मूवमेंट्स ये पढ़ेंगे। टेक्टोनिक मूवमेंट, नेक्स्ट 10 डेज में, 15 डेज में किसी भी दिन टेस्ट ले सकते हो, जितना पढ़ाया होगा एमसीक्यू, ठीक है, बता देता हूँ। टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक, टेक्टोनिक का मतलब कुछ बनाना, टू बिल्ड समथिंग, ठीक है। टेक्टोनिक मीन्स टू बिल्ड समथिंग, BUILD, टू बिल्ड समथिंग, these are, next point, these are जो तुम्हारे continents बने हैं वो सामने, या mountains जो बने हैं वो इस tectonic movement के कारण बने हैं, built, कुछ बनाया, these movements built continents and mountain, continents and mountains,
टू आर यूज टू मेक कॉन्टिनेंट्स एंड माउंटेन्स. जो फोर्सेस है तो टेक्टोनिक फोर्सेस हैं जो एक माउंटेन और कॉन्टिनेंट को बना रही है. जो फोर्सेस कॉन्टिनेंट को बनाती है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो फोर्सेस कॉन्टिनेंट को बनाती है उनको बोलते हैं एपिरोजेनिक फोर्सेस. क्या बोलते हैं? एपिरोजेनिक फोर्सेस. लिख लो EPIRO, एपिरोजेनिक फोर्सेस. और जो फोर्सेस माउंटेन बनाती है उनको बोलते हैं ओरोजेनिक फोर्सेस. माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस आर नोन एज ओरोजेनिक फोर्सेस, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस आर नोन एज एपिरोजेनिक फोर्सेस. जब भी वर्टिकल मूवमेंट होगी, ये वर्टिकल मूवमेंट होगी, इससे बनेंगे तुम्हारे कॉन्टिनेंट्स. जब भी तुम्हारी कंप्रेशनल या फिर हॉरिजेंटल मूवमेंट होगी उससे तुम्हारे बनेंगे माउंटेन्स. ठीक है, लिख लो ये पॉइंट. लिखना टॉपिक डालना एपिरोजेनिक मूवमेंट. एपिरोजेनिक मूवमेंट एपिरोजेनिक मूवमेंट. दीज आर द वर्टिकल मूवमेंट्स. दीज आर द वर्टिकल मूवमेंट्स. एंड आर वेरी स्लो एंड वाइड स्प्रेड. वाइड स्प्रेड मीन दूर दूर तक जाएगी. एंड आर वेरी स्लो एंड वाइड स्प्रेड. टेक्टोनिक, आइसोस्टेटिक और रियोस्टेटिक. हाँ, उसमें पहला टेक्टोनिक पढ़ा रहा हूँ. ये टेक्टोनिक में दो आती हैं. एक आती है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, एक आती है माउंटेन. टेक्टोनिक का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना. जिस फोर्स से तुम्हारी कॉन्टिनेंट बनते हैं उसको बोलते हैं एपिरोजेनिक. जिस फोर्स से तुम्हारे माउंटेन्स बनते हैं उनको बोलते हैं ओरोजेनिक. जिससे ये कॉन्टिनेंट्स बने इसको बोला एपिरोजेनिक. जिससे तुम्हारे हिमालयस बनेंगे, जिससे तुम्हारे एंडीज बनेंगे, जिससे तुम्हारे रॉकीज बनेंगे, ये सारे माउंटेन्स हैं. ठीक है, बताऊंगा. तो ये सारी आर द एग्जांपल ऑफ ओरोजेनिक. ओरोजेनिक ठीक है. क्या बोला मैंने? एंड आर वेरी स्लो एंड वाइड स्प्रेड. ठीक है. दीज मूवमेंट्स लीड टू कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग या कॉन्टिनेंट बिल्डिंग्स. दीज मूवमेंट्स लीड टू कॉन्टिनेंट बिल्डिंग. बिल्डिंग अब लिखो ओरोजेनिक मूवमेंट. टेंजिशियल. दीज आर माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स. Caused by tangential slash horizontal. Tangential, ये लिखा है, tangential slash horizontal forces. Orogenic forces. Next point. Orogenic forces lead to फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. अब तुम्हारा यहां से फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग.
ये जो तुम्हारी टेंजेंशियल फोर्स है ये दो चीज़ें लीड करती है, इट कैन लीड टू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। ठीक है, अब टॉपिक डालो फोल्डिंग। अब समझने, अभी तक कोई डाउट? अभी तक तो हमें कुछ आई नहीं, अभी तक हमने टेक्टोन तीन तरह की बिल्डिंग हमने एंडोजेनिक पढ़ी, सुनना, एंडोजेनिक पढ़ी, एक्सोजेनिक पढ़ी। एंडोजेनिक जो अर्थ के इंटीरियर में, एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर है। एंडोजेनिक की एग्जांपल आ गई माउंटेन बिल्डिंग आर एग्जांपल ऑफ एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक में मैंने बोला वी शेप, वाटरफॉल और वो सारी जो चीज़ें आ गई एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जो है वो, सलमान मेरी तरफ देख, एंडोजेनिक जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, एक्सोजेनिक जो है वो डिस्ट्रक्ट करता है या डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने बोला एंडोजेनिक फोर्सेज जो है वो दो तरह की है, एक जो सडन होती है और एक होता है जो डायस्ट्रॉफिक फोर्स है। सडन जो उसकी एग्जांपल मैंने बोली अर्थक्वेक या वॉल्केनिज्म, डायस्ट्रॉफिक वाली जो स्लो स्लो है, ठीक है, उसकी मैंने एग्जांपल बोली टेक्टोनिक। उसके अंदर तुम्हारी तीन फोर्सेस आई, टेक्टोनिक फोर्स आई, आइसोस्टैटिक आई और यूस्टैटिक जो है फोर्सेस। अब जब मैंने टेक्टोनिक बोली, टेक्टोनिक से मैंने बोला दो तरह की मूवमेंट, एक से कॉन्टिनेंट बनता है, एक से तुम्हारी माउंटेन बनता है। जिससे कॉन्टिनेंट बनता है उसको हम बोलते हैं एपिरोजेनिक, और जिससे हमारा माउंटेन बनता है उसको हम बोलते हैं ओरोजेनिक। अभी तक कोई डाउट? ठीक है, जब हमने ओरोजेनिक की बात की, ओरोजेनिक से फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है, फोल्ड माउंटेन्स और फॉल्ट माउंटेन्स होती है। ये क्या होते हैं हमने ये पढ़ने हैं। ठीक है, मोल्डिंग नहीं फोल्डिंग, FOL। देखना, दो माउंट, ये बेसिकली इनको हम बोलते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं, कंप्रेशनल फोर्स भी बोलते हैं। अभी कुछ मत उतारना जब तक मैं नहीं बोलूंगा कंप्रेशनल फोर्स। लेट इट बी एक माउंटेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन है। यहां से एक फोर्स लगी फोर्स वन, यहां से एक लगी फोर्स टू। ठीक है, इमेजिन करना एक बीच में कोई चीज है, इमेजिन कर लो, कुछ भी इमेजिन कर लेना, फोर्स वन फोर्स टू। फोर्स जो बीच का होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा, उसका साइज कम हो जाएगा, फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। दोबारा समझना, दूर नहीं जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, दोनों गई एक दूसरे की तरफ, एक पॉइंट आएगा इस पे प्रेशर स्ट्रेस पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है, ये इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोल्डिंग। ठीक, फोल्डिंग, फोल्ड हुआ माउंटेन, फोल्डिंग्स। ठीक है, हिमालयाज आर द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, वो फोल्ड क्या है, वो ये है, फोर्सेस, एक फोर्स ये जा रही है, एक फोर्स ये जा रही है, जिसके कारण ये फोल्ड आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ फोल्डिंग पढ़ेंगे, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक की सारी चीज़ें, एसिमेट्रिक की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आई अभी तक फोल्डिंग? समझ आया? कोई डाउट? दो फोर्सेस लगी जिसके कारण ये आ गया फोल्ड। खुद ही सोच लो कि मतलब कि फॉर एग्जांपल इधर से भी मैं फोर्स एक कोई लगा लो, लेट इट बी मेटल की रॉड है, ठीक है, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से फोल्ड लगा रहा हूँ, जब मैं उसको दोनों तरफ फोर्स लगाऊंगा क्या होगा, बेंड आ जाएगा, वो फोल्ड की फॉर्म में आ जाएगा, इट इज़ नोन एज फोल्डिंग। लिखो फोल्डिंग। दो तरह की फोर्स होती है, एक होती है तुम्हारी कंप्रेशनल फोर्स और एक होती है हमारी टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स होगी जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कंप्रेशनल फोर्स कंप्रेस एक दूसरे को तरफ जा रहे हैं, कंप्रेशनल, दैट इज कंप्रेशनल। और अब क्या होगा, ये जब इधर भी पड़ा इधर भी, इधर जो बनेगा ये इस तरह से बन जाएगा, बनेगा। ठीक है, ठीक है, फोल्डिंग, कंप्रेशनल फोर्स कॉज द अर्थ रॉक, डायग्राम बना लेना बाद में, कॉम्प्रेशनल फोर्स कॉज द अर्थ रॉक, कॉज द अर्थ रॉक, रॉक अर्थ के ऊपर जो रॉक्स हैं, टू पुश, ये रॉक पे, ये रॉक पे, टू पुश और स्क्वीज, एस क्यू यू डबल ई जेड ई, और स्क्वीज इकट्ठा होना, स्क्वीज अगेंस्ट ईच अदर,
कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स, कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स। फॉल्ट्स फोल्ड, सॉरी मैंने फॉल्ट बोल दिए क्या, फोल्ड फोल्ड एफ ओ एल डी, कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड। सुनना आप, ये जैसे माउंटेन बना, अब मेरी तरफ देखना, ये इस तरह से बनेगा फोल्ड, जो होगा फोल्ड इस तरह से होगा, जो ये वाला लिंब है इसको बोलते हैं लिम्ब्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लिम्ब्स, और जिसके पर्सपेक्टिव से ये बनता है जो ये दोनों, इसको हम बोलते हैं एक्सियल प्लेन या एक्सियल टिल्ट या एक्सियल प्लेन, ठीक है, एक्सियल प्लेन भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखना, ये जो इसकी साइड्स है इसको हम बोलते हैं लिम्ब, ठीक है, लिम्ब। डायग्राम बना लो, क्या ये अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ डायग्राम को, ये ऐसे बन सकती है, ठीक है, जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, जो ये अपर पोर्शन है इसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइन, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है डाउनवर्ड वाला पोर्शन है इनको बोलते हैं सिंक्लाइन। कोई डाउट? ये जिससे कनेक्टेड है, ये दो फोल्ड जिस बीच से कनेक्टेड है उसको एक्सियल जो है प्लेन बोलेंगे, ठीक है, एक्सियल प्लेन। कोई डाउट? ये लिम्ब, ये मैंने बनाया, जो अपर वाला पोर्शन होगा ऊपर, ये इस तरह बन रहा है ना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको बोलेंगे हम एंटीक्लाइन, जो नीचे वाला पोर्शन ये इस तरह से जाएगा ना, अगर मैं देखूँ तो ये बन रहा है, ये बन रही है माउंटेन की पूरी कंटिन्यूस चेन बन रही है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन आया इसको हमने बोला एंटीक्लाइन, और जो ये नीचे वाला पोर्शन आया इसको हम बोलेंगे सिंक्लाइन, ठीक है। ठीक है, टॉपिक लिखना फोल्ड्स, हाँ हाँ बना लो, एक्सियल प्लेन। ठीक है, अब सुनना फोल्ड्स, ठीक है, द साइड्स ऑफ फोल्ड आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ, हाँ फोल्ड टॉपिक, फोल्ड फोल्डिंग या फोल्ड, फोल्डिंग है ना, ठीक है, द साइड्स ऑफ फोल्ड आर कॉल्ड लिम्ब्स, लिख दिया ये, अगर लिख दिया तो नो नीड, ठीक है, ये भी लिख दिया, द अपफोल्ड इज कॉल्ड एज एंटीक्लाइन एंड द डाउनफोल्ड इज नोन एज इनक्लाइन, कोई जरूरत नहीं लिखाने की, या लिखा दूँ, सुन लो, द साइड्स ऑफ फोल्ड आर कॉल्ड लिम्ब, द अपर पोर्शन ऑफ फोल्ड इज कॉल्ड एंटीक्लाइन एंड द लोअर पोर्शन या डाउनवर्ड पोर्शन इज नोन एज सिंक्लाइन। सिंक्लाइन, अभी तक कोई डाउट? देख लो, जिससे जो उतारना है वो उतार लो। नहीं 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 नहीं, ये जब होगी यहां पे तुम्हारी फॉल्टिंग आएगी, तुमने फोल्डिंग से सिर्फ याद रखना, फोल्ड कब होगा ये देखो, मेरी तरफ देखो, जब दो फोर्सेज एक दूसरे की तरफ जाएगी, अगर अलग जाएगी तो फोल्डिंग कैसे होगा, लेट इट बी, ये दोनों है, ठीक है, एक रॉक बीच में, ये अलग जगह जा रही है तो रॉक तो बीच में ही है, बीच में इमेजिन करो एक रॉक है, बट जब मैं इसकी तरफ लगाऊंगा तभी तो रॉक जो है वो फोल्ड करेगा, ठीक है, जब एक तरफ, सुनो इधर, जब एक दूसरे की तरफ फोर्स जाती है उसको बोलते हैं कंप्रेशनल फोर्स, जब एक से दूसरी अलग डाइवर्ट करती है एक दूसरे को, इसको बोलते हैं हम अपनी टेंशनल फोर्स, यस, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, अब ये क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ फोल्ड, सुनना, इस तरह से फोल्डिंग हुई कि बैलेंस, दोनों तरफ से कंप्रेशनल फोर्स जो है वो बैलेंस है, जिसके कारण क्या हुआ, बीच में जो एंगल बन रहा है वो सेम है, जब लिम्ब्स जो है वो सिमेट्रिकल है एक दूसरे के, एक साथ सिमेट्री जितनी ये है उतनी ये है, जब लिम्ब्स जो है एक दूसरे से सिमेट्रिकल होगी उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल फोल्डिंग,
क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फोल्डिंग. फर्स्ट लिखो सिमेट्रिकल फोल्ड. सिमेट्रिकल फोल्ड इफ द लिम्स ऑफ अ फोल्ड If the limbs, जो साइड वाला है इसको limbs बोला था, if the limbs of the fold are inclined at the same angle, it is called as symmetrical fold. एक लिम के मुकाबले दूसरा लिम जो है वो ज्यादा इंक्लाइंड है, एक लिम के मुकाबले दूसरा जो लिम है वो ज्यादा इंक्लाइंड है, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल लिम. सेकंड, एसिमेट्रिकल फोल्ड. एस साथ साथ डायग्राम बनाते रहना. एसिमेट्रिकल फोल्ड if one of the limb is inclined more than the other, it is called asymmetrical fold. It is called asymmetrical fold. सुनना आप, ये एक लिम, दूसरा लिम जो है इसी से कनेक्टेड है, अपने एक्सिस पे नहीं है, इससे कहीं पे कनेक्टेड है, इसी के लिम से कनेक्टेड है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ओवरफोल्ड. थर्ड, ओवरफोल्ड. समझ आया? देखना ये एक लिम है, ऐसे क्यों अर्थ था, वो या तो इससे बन रहा था, अब क्या ये इसी से कनेक्टेड बियॉन्ड द एक्सिस है, इसके एक्सिस में नहीं है, अब इसके एक्सिस के बाहर जा रहा है, इसको हम बोलेंगे ओवरफोल्ड. थर्ड, ओवरफोल्ड. इट इज अ फोल्ड. Overfold. Third is overfold. OVER. Overfold. It is a fold in which one limb have been folded beyond the vertical axis. अब देखना, लिम्स जो हैं वो दोनों अर्थ की सरफेस के ऊपर जुड़ना शुरू हो गए. ये अर्थ की सरफेस के ऊपर दोनों लिम एक दूसरे पे पड़ के और ये एक ही बन के इसके ऊपर पड़ गए, इसको बोलेंगे रिकम्बेंट फोल्ड. दोबारा बोल रहा हूँ, ये ऐसे बना ना एक फोल्ड, ठीक है, अब एक पॉइंट आया, ये वाला जो ये लिम था ना पूरा इस लिम के ऊपर आ गया. ये देखना, इमेजिन करना, ये एक फोल्ड है, ठीक है, अब इस लिम ने क्या किया, इतना ज़्यादा कंप्रेशनल फोर्स जो है वो लग रही है कि ये फोल्ड होके इसी के ऊपर आ गया. इमेजिन हुआ, ये इसी के ऊपर आ गया. नहीं समझ आई? दोबारा, पहले ये एक डायग्राम है, ये एक फोल्ड बना हुआ है, ठीक
ठीक है, फोर्स लग रही है, जो लिम्ब है वो टिल्ट करता जा रहा है कॉम्प्रेशनल फोर्स के कारण। अब इस पर इतनी ज़्यादा फोर्स लग गई कि ये इसी पे आके चिपक गया, ये अगली फिगर क्या बनेगी, ये इसी पे आ गया। अब ये वाला ये नीचे की तरफ आ रहा है, जुड़ गया इसके साथ, ये जुड़ गया। जब ये तरह का एक सिचुएशन आएगी कि अर्थ की सरफेस के साथ ये वाला लिम्ब जो है, दोनों लिम्ब एक साथ जुड़ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे रिकम्बेंट फोल्ड। दोबारा दूसरे लिम्ब के ऊपर चढ़ गया, एक लिम्ब दूसरे लिम्ब के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, लिखो रिकम्बेंट फोल्ड। ओवर फोल्ड था जब ये इसकी एक्सिस है, ये इसके बियॉन्ड कहीं पे जाके जो है वो बन रहा है, ठीक है। अभी प्रेशर एक ही के ऊपर है जिसके कारण क्या हुआ, दूसरा जो है वो दूर चला गया कहीं पे, बट अब क्या हुआ, दोनों पे प्रेशर तो है, एक एक की तरफ जा रहा है, एक की तरफ जा रहा है, एक टाइम आ गया दोनों जुड़ गए, इसको बोलेंगे रिकम्बेंट, ठीक है, रिकम्बेंट फोल्ड। ये एक काम करना, ये ज़्यादा क्लियर, ये टॉपिक ख़त्म करने तो बताता हूँ कैसे क्लियर होगा, ठीक है। रिकम्बेंट फोल्ड, इट इज अ फोल्ड इन विच देयर इज अ प्रेशर, देयर इज अ कंटिन्यूस प्रेशर on one of the limb, in on one of the limb, because of which one limb is connected, one limb is placed over another limb, placed over another limb. अब एक दूसरे के साथ जुड़ गए अब अभी भी प्रेशर इतना ज़्यादा, देखो यहाँ पे प्रेशर कंप्रेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये जो लिम्ब से ये टूट के एक दूसरे के इधर आगे पीछे पड़ गए, समझ आई। ये देखो ये पहले ऐसा था, करते करते ये रिकम्बेंट हो गया, अब इतना प्रेशर लगा कि दोनों टूट के एक पोर्शन यहाँ पड़ा, एक पोर्शन यहाँ पे पड़ा। जो ये तरह का फोल्ड होता है इसको बोलते हैं नेपे, क्या बोलते हैं नेपे, NAPPE, नेपे फोल्ड। नेपे फोल्ड इट इज फॉर्म्ड, NAPPE ये लिखे, नेपे फोल्ड इट इज फॉर्म्ड व्हेन द प्रेशर एक्सर्टेड upon a recumbent fold is sufficiently great to cause the limb to torn, हट खराब हो जाना, मतलब टॉर्न फ्रॉम इट्स रूट्स जड़ से उखड़ के दूसरी तरफ गिर जाना, फ्रॉम इट्स रूट्स, नोन एज नेपे फोल्ड। 14 में आ गया, ये फोल्ड हो गया, सेम कंप्रेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसा आया कि रॉक जो बीच का, ये एक रॉक इससे बना हुआ था, एक रॉक इससे बना हुआ था, ठीक है। एक पॉइंट आया जो ये था ना, एक रॉक बीच का पोर्शन जो है वो टूट के नीचे आ गया, इमेजिन किया। दोबारा बता रहा हूँ, फोकस रखना, ये रॉक है, एक फोर्स यहाँ पे लगी, एक फोर्स यहाँ पे लगी, किसी चीज़ पे लगी, या तो ये फोल्ड करेगा
या हुआ इस पे इतना प्रेशर लग गया इन पे कि बीच का एक पोर्शन टूट के नीचे आ गया, ये ऐसे बन गया। इमेजिन कर रहे हो, दोनों दोनों तरफ से फोर्स लगी ना, वो ये हाँ तो नीचे, वो नीचे आ गई, एक दो चीज़ें अपनी जगह रही, ये बीच का पोर्शन नीचे आ गया, ठीक है, बीच का पोर्शन एक नीचे आ गया। जो ये बीच वाला पोर्शन नीचे आया इसको बोलते हैं रिफ्ट और गैबरेन, जो अभी रिफ्ट वैली पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ेंगे रिफ्ट या गैबरेन। या एक सिचुएशन ऐसे बनी, फोर्स लगी, फोर्स लगी, हुआ क्या, प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया कि ये तो अपनी जगह पे ही रहे दोनों रॉक, एक रॉक जो है वो ऊपर की तरह चला गया, नीचे की जब तरफ आया फोर्स इतनी ज़्यादा लगी, इमेजिन करना, ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन, ठीक है, ये गया नीचे की तरफ आ गया, इसने बना दिया तुम्हारा ये क्या कहते हैं गैबरेन या रिफ्ट, ठीक है। अब फोर्स ऐसे लगी कि जो एक पर्सन जो बीच वाला पोर्शन था वो ऊपर की तरफ चला गया और बाकी अपनी जगह पे रहे, ठीक है। जो ये ऊपर वाली पोर्शन गया इसको हम बोलेंगे हॉस्ट। एग्जाम्पल आई बताऊंगा इसकी भी एग्जाम्पल, समझ आई। जब पत्थर, सिंपल सी भाषा में, कंप्रेशन फोर्स लगी, पत्थर नीचे की तरफ आया, उसने बनाया रिफ्ट या गैबरेन, जब पत्थर ऊपर की तरफ चला गया तो उसने हॉस्ट बना दिया, बस, ठीक है। लिखो फॉल्ट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉल्ट। फॉल्ट भी बोल सकते हैं या इनको ब्लॉक माउंटेन्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी अरावलीज, विंध्यास, अभी बताऊंगा, ठीक है। इन अ ब्लॉक द डाउन ड्रॉप्ड पोर्शन, द डाउन जो नीचे की तरफ गिरा, द डाउन डायग्राम बना लेना, द डाउन ड्रॉप्ड पोर्शन, ड्रॉप हुआ जो नीचे की तरफ पोर्शन ऑफ अ फॉल्ट इज कॉल्ड ग्रैबेन इज कॉल्ड ग्रैबेन और रिफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर एज द अपथ्रस्ट, जो ऊपर की तरफ गया, डायग्राम बना लेना, वेयर एज द अपथ्रस्ट ब्लॉक इज कॉल्ड हॉर्स्ट, HORST। डायग्राम बना लो दोनों की अगर बनानी है, रिफ्ट की भी बना लो और गैबरेन की भी, और सॉरी इसकी हॉर्स्ट की भी बना लो। ये विशाखा समझ आया पक्का, ये न्यू गर्ल क्या नाम था, साक्षी, समझ आया, ठीक है। ठीक है, अब जो केएस के पेपर में क्वेश्चन आया था, टाइप्स ऑफ फॉल्ट, हाँ बना लो टाइप्स ऑफ फॉल्ट। मैं एक एक चीज़ को कवर कर रहा हूँ, जितना ऑप्शनल में पढ़ते हैं मैं उतना तुम्हें करा रहा हूँ कि कोई तुम्हें किताब ये कॉपी के बाहर कुछ ना जाना पड़े। टाइप्स ऑफ फॉल्ट ऊपर ऊपर से कराना हो वो भी करा सकते हो, उसका फ़ायदा क्या है फिर। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, बाद में गालियाँ दोगे क्या पढ़ा के गया था कुछ समझ नहीं आया, पेपर में तो आ ही नहीं रहा वैसा कुछ भी। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, देखना दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, हुआ क्या, एक ब्लॉक नीचे की तरफ आ गया, एक अपनी जगह पे रहा, एक अपनी नीचे पे आ गया, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। जब एक रॉक, दोनों ब्लॉक जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। लिख लो नॉर्मल फॉल्ट, व्हेन वन ऑफ द ब्लॉक
moves downward, when one of the block moves downward, relative to another, डायग्राम बनाते रहना साथ साथ, रिलेटिव टू अनदर, इट इज नोन एज, एरो बना लेना, ये अपनी जगह पे रहा, ये नीचे आ गया, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज नॉर्मल फॉल्ट और डिप स्लिप फॉल्ट. दो ब्लॉक्स है, सुनना पहले, दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक अपनी जगह पे रहा और एक ऊपर चला गया, एक ब्लॉक अपनी जगह पे रहा, एक में क्या हुआ, नीचे आ गया, अब एक ऊपर चला गया, इसको बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट. सेकंड रिवर्स फॉल्ट, क्या नाम है विशाखा, दूसरा एरो मत बनाना, एक ही, सिर्फ एक एरो शो करो, नीचे गया दूसरा अपनी जगह पे रहा, वो ऊपर नहीं गया, वो अपनी जगह पे रहा, हाँ एक ही एरो रखना, क्योंकि एक अपनी जगह पे रहा, एक ने स्लिप नीचे की है, अब एक ऊपर गया, एक अपनी जगह पे रहा, रिवर्स फॉल्ट. व्हेन वन ब्लॉक मूव्स अप, अबाउट द अदर वन, अबाउट द अदर वन, द अदर वन दूसरे के मुकाबले, अबाउट द अदर वन दूसरे के अबव लिख लो, अबव द अदर वन, अबव द अदर वन, इट इज कॉल्ड एज रिवर्स फॉल्ट और एज रिवर्स फॉल्ट और थ्रस्ट फॉल्ट. थ्रस्ट फॉल्ट, अब एक दूसरे के साथ मूव तो किए, दोनों ब्लॉक्स जो थे वो एक दूसरे के साथ मूव तो किए, बट ना ही कोई ऊपर गया ना ही कोई नीचे गया, दोनों अपनी जगह पे रहे, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ही रहे, ठीक है, लिखना. स्ट्राइक, मूव तो किए, अलग नहीं हुए, मूव किए बट अलग नहीं हुए, ठीक है. स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, एक दूसरे के साथ किए, मूव किए बट गिरा कोई नहीं, ना ऊपर गया ना नीचे गया, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. व्हेन बोथ द रॉक्स मूव अक्रॉस ईच अदर, इन्वॉल्विंग नो वर्टिकल मूवमेंट, व्हेन बोथ द ब्लॉक्स मूव अक्रॉस ईच अदर इन्वॉल्विंग नो वर्टिकल मूवमेंट, नो वर्टिकल मूवमेंट, नोन एज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट. 2021 में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, इसलिए एक एक बेसिक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, पहले नहीं पढ़ाते थे ये चीज़ें कि ठीक है कर लेंगे, बट अब नहीं, अब फिगर्स पे भी जो है क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है. टू बी कंटिन्यूड टुमारो विद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फोल्डिंग हो गया, फॉल्टिंग हो गया, अब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, बाय.